जीनियर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर की दो रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी बोलो मेरे साथ साथ। एक थी आपकी जनरल एंट्रीज और दूसरी थी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उम्मीद है पूरी पूरी आपसे कि आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से, तो जनरल एंट्रीज आपने वाला पार्ट कर लिया होगा। अब आपको करते हैं बैलेंस शीट। तो जिस तरीके की जनरल एंट्रीज आसान थी, उस तरीके से आप बैलेंस शीट भी आसान बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन निकालिए, उसके बाद हम बैलेंस शीट को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम? बैलेंस शीट किस कंपनी की? ए एन कंपनी लिमिटेड, इसलिए हमने लिखा बैलेंस शीट ऑफ ए एन कंपनी लिमिटेड। और जैसे कि आपको पता है, लॉ में आपने सीखा है, रिकंस्ट्रक्शन के बाद क्या लगाना होता है कंपनी को नाम के आगे? कंपनी को अपने नाम के आगे लगाना पड़ता है एंड रिड्यूस। ठीक है ना, कब की बना रहे हैं हम? एज ऑन 1 जनवरी 2012। तो देखो यहाँ पर दे रखी थी हमें डेट 31 दिसंबर 2011 कर देंगे इसे। एक्स को क्या जूम कर लिया हमने 1, तो ये हो गया आपका 11। अब एक दिन के बाद ही क्या आएगा बोलो? 1 जनवरी 2012। ठीक है, तो उसी दिन की बना रहे हैं हम, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन की जितनी भी ये सारी चीज़ें थी इसके बाद बना रहे हैं। डेट तो वही है लेकिन ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद। ठीक है ना। अच्छा, बैलेंस शीट आपकी उसी तरीके से बनेगी जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। क्या क्या करते हैं हम बैलेंस शीट में? पहले लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। यहाँ पे बस क्या चेंज है, यहाँ पर वहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता था और यहाँ पर क्या होगा वर्टिकल में। तो पहले आपकी लाइबिलिटीज़ इस तरीके से आएंगी, फिर आपकी एसेट इस तरीके से। ठीक है ना, तो लिखिए सारी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। रेफरेंस के लिए कुछ नोट्स बनाएंगे और उन नोट के नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे इस वाली रो में। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं नोट्स, और जितना भी सारा अमाउंट आएगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अमाउंट। ठीक है ना, सिंपल है फॉर्मेट। अब जैसे कि मैंने आपको बोला पहले आएंगी लाइबिलिटीज और एसेट्स, तो उसी तरीके से। अच्छा, ये हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ लाइबिलिटीज नहीं बल्कि क्या आएगा बोलो? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट है। तो क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो पहले अपन इक्विटी के बारे में कुछ लिखेंगे, फिर लाइबिलिटी के बारे में, उसके बाद जाके हम लिखेंगे एसेट्स के बारे में। ठीक है ना, तो पहले इक्विटी के बारे में लिखें। तो लिखो मेरे साथ, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर्स का क्या क्या फंड्स होते हैं? तो शेयर होल्डर्स के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी शेयर कैपिटल और दूसरी आपकी बोलो, वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी इक्विटी के बारे में। अब किसके बारे में बात होगी? लाइबिलिटीज़ के। तो सेकंड अपन डालते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। अच्छा, लाइबिलिटीज़ बताओ कौन कौन सी होती है? एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और दूसरी करंट लाइबिलिटीज़। तो पहले अपन लिख लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो जितनी भी सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी वो इसके अंडर में आ जाएंगी। उसके बाद अपन लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे कि आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर्स वगैरह, और करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे कि आपकी कोई प्रोविज़न वगैरह हुआ, आपके क्रेडिटर्स हुए, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इन सब का अपन टोटल करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलो अब फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको उठाते हैं? शेयर कैपिटल को। तो शेयर कैपिटल के लिए अपन बनाएंगे नोट नंबर
वन, ठीक है। यहाँ पर भी रेफरेंस दे दिया और यहाँ भी बना देंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट और इसमें सारी बातें हम यहाँ लिखेंगे और अमाउंट अपना यहाँ पर, ठीक है। जो बिल्कुल एंड अमाउंट होगा जो हमें बैलेंस शीट में लिखना है वो हम अपन यहाँ लिख देंगे आउटर कॉलम में। तो नोट नंबर वन बना रहे हैं हम किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। अब शेयर कैपिटल में बोलो कौन कौन आता है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अपनी ढूंढते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट दे रखी है आपको, यहाँ पर लाइबिलिटीज में देखो शेयर कैपिटल दे रखा है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अपन लिख लेते हैं पहले किसके बारे में, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। बैलेंस शीट में देखो कितनी दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल, 75,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच, 7,50,000। ये आपको किस में दे रखी है, बैलेंस शीट में। अब अपन देखेंगे जनरल एंट्रीज में क्या ये अभी भी जिंदा है या नहीं, ठीक है। तो ये रही आपकी बैलेंस वो जनरल एंट्रीज, यहाँ पर हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम, यहाँ पर मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल ये दिख गया। अब देखो बैलेंस शीट में हमें क्या दिख रहा है, बैलेंस शीट में हमें दिख रहे हैं 75,000 इक्विटी शेयर इंटू 10 ईच, 7,50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जो वहाँ पर कहाँ पर, यानी आपकी बैलेंस शीट में जो 7,50,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल देख रखी है वो यहाँ पर क्या हो गई है, डेबिट, यानी कि वो कैंसिल हो गई है, यानी कि जो आपको बैलेंस शीट में दिख रही है वो अब जिंदा नहीं है। तो ये हमारी क्या हो गई, तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। आगे देखते हैं, अब इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे हम क्रेडिट वाली, यानी कि जो भी है। तो देखो कहीं दिख रहा है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि क्रेडिट में हो, ये रही 75,000 आपको दिख रहे हैं इंटू 2 रुपीज़ ईच के इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है, कितने आ गए 1,50,000, यानी कि हमें दिख रही है, इसको हम कैलसी पर ले लेते हैं, हमें दिख रही है 75,000 इक्विटी शेयर्स। और कहीं आपको लिखना हो साइड में तो आप यहाँ पर स्टार बनाकर भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको जब आप सेकंड थर्ड रिवीजन करें तब आपको आसानी रहे। 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 ईच कितना है, 1,50,000, ठीक है, 75,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये हमने जो है कर लिया, आगे बढ़े और ढूंढते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि क्रेडिट हो, ये मिल गई इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है, कितने हैं 12,000 इक्विटी शेयर्स, 12,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 ईच कितना है 24,000, ठीक है। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल तुम कहाँ हो, मुझे तो नहीं दिख रही, दिख रही है, ये रही इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन हमें दिख गई 90,000। अच्छा कितने हैं 45,000 इक्विटी शेयर्स, तो 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 ईच 90,000। और देखो कहीं दिख रही है इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं, लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो यानी बस इतनी ही इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब देखो दोबारा से जो हमें बैलेंस शीट में दिख रही थी 75,000 इंटू 10 7,50,000, वो तो अब बची नहीं, वो अब जिंदा नहीं है, अब जिंदा कौन है, ये तीनों, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स प्लस करते हैं 75,000 प्लस 12,000 प्लस आपके 45,000 कितना हो गया 1,32,000। इनको अगर हम इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,64,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अब कितनी है टोटल 2,64,000 और नंबर ऑफ शेयर्स में बात करें तो कितनी है 132। तो आओ इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, ब्लैक पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा,
ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कितने थे, 1,32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने की थे, 2 रुपए के, 10 के नहीं, 10 वाले तो कब के कैंसिल हो गए, अब कितने के, 2 के, तो 1,32 × 2 कितना आया था, 2,64,000 हो गया। अब यहाँ पर अपन एक स्टार भी कर लेते हैं, ये स्टार हमने क्यों मार्क किया है, ताकि अगर हम बाद में अगर अपनी कॉपी को देखेंगे और हम ये सोचेंगे कि अरे ये 1,32,000 कहाँ से आ गए इक्विटी शेयर्स, तो हम ये स्टार ढूंढेंगे और हमें नेक्स्ट पेज पर हमें स्टार मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा 1,32,000 कहाँ से आए, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं ना, तब हमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत दिक्कत देती हैं, तो अगर उसका हमारे पास पूरी डिटेल होगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझा। ये चीज़ आपको जो मैंने आपको यहाँ लिखाई है ना स्टार मार्क करके पीछे पेज पर, ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम अपने समझ के लिए कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में हमने एक तो लिख ली इक्विटी शेयर कैपिटल, अब सेकेंड हमें किसकी लिखनी है, प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है, ये रही बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं ये रही 4,006% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स 100 ईच के दिख रहे हैं, 4 लाख, 4,000 × 100 4 लाख। अब देखते हैं ये जिंदा है कि नहीं है, तो आओ फटाफट जनरल एंट्रीज, लो पहली पहली एंट्री में ये लोग मर गए, 4,000 × 100 ईच 4 लाख जो है डेबिट हो गई, यानी कि ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो ये अब जिंदा नहीं है। तो कौन जिंदा है, मुझे यहाँ दिख रही है 4,000 × 75 ईच 3 लाख, कितनी है, 4,000 × 75 ईच 3 लाख। इसके अलावा कुछ है क्या, तो एक तो है हमारे पास 4,000 × 75 3 लाख, तो इसको अपन कर लेते हैं प्लस। इसके अलावा देखते हैं इक्विटी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कहीं क्रेडिट तो नहीं है, ये तो इक्विटी के बारे में है, ये भी इक्विटी के बारे में है, ये इंटरेस्ट के बारे में है, पेटेंट्स गुडविल इन्वेंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में मैंने कुछ समझाया था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिडक्शन अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन कहीं भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी कौन सी, 4,000 × 75 इक्वल्स टू 3 लाख। ठीक है, तो ये एज इट इज हम लिख लेंगे, तो लिख दो फटाफट 4,000 कितने के थे, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस कितने के थे, 75 ईच के, 100 के नहीं है, 100 वाले तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कितने के, सिर्फ और सिर्फ 75 ईच, और 4,75 से हमने देखा था कितना आया था, 3 लाख। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में एक आ गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,32,000 इक्विटी शेयर्स कहाँ से आए, ये हमने अपनी समझने के लिए पीछे पेज पर लिख लिया है सारा डाटा, एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे आया हमारा 2,64,000। अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई स्टार नहीं बनाया हमने, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थे 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी हमने लिख लिया, उसका अमाउंट आया आपका 3 लाख। तो अब बस हमारा जो नोट था वो किससे रिलेटेड था, शेयर कैपिटल से, तो शेयर कैपिटल के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, तो देखो कितना आया, 3 और 2 5, यानी कि 5,64,000। ठीक है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल जा रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मुझे, वेरी गुड, सिंपल है। तो अब यहाँ पर शेयर कैपिटल का हमने नोट नंबर 1 बनाया, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कितना आएगा बोलो, 5,64,000 हो गया। तो इक्विटी लाइब्रेरी, इक्विटी एंड लाइब्रेरीज में पहला हमारा शेयर होल्डर फंड्स,
जिसमें कि शेयर कैपिटल के लिए हमने नोट नंबर 1 बनाया और वहाँ से हमें अमाउंट मिला 5,64,000। रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं थी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इक्विटी ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं लाइबिलिटीज साइड। तो लाइबिलिटीज़ में आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कौन आ सकता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी कि आपके डिबेंचर्स। ठीक है, जैसे कि आपके डिबेंचर्स। अब देखते हैं डिबेंचर्स कितने हैं। तो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर दिख रही है हमें। हमने शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली हैं, क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स भी हमने कर लिए, इक्विटी शेयर्स। अब बचे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का हमें अमाउंट दे रखा है 3,75,000 और उनका इंटरेस्ट दे रखा है, अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 22,500। याद रखना, ठीक है, 375 और 22,500, ये हमें किस में दे रखा है? बैलेंस शीट में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आज भी ज़िंदा है कि नहीं। तो आ जाओ फटाफट अपनी जनरल एंट्रीज में, याद है ना, 375 और 22,500। अब ये हमें ढूंढना है। क्या ढूंढ रहे हैं? हम मिशन पर निकले हैं डिबेंचर्स को ढूंढने में। तो मुझे अभी डिबेंचर्स नहीं दिखे हैं, डिबेंचर्स और अक्रूड इंटरेस्ट। अब देखो हमें लाइबिलिटीज़ में क्या दिख रहा है? अक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि लाइबिलिटीज़ में दिख रहा है, यानी कि बैलेंस शीट में क्रेडिट था, और अब वो क्या हो गया? डेबिट, यानी कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बैलेंस शीट में जो अक्रूड इंटरेस्ट हमें 22,500 दिख रहा था, वो अब नहीं है। तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है, यानी कि ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये यहाँ पर डेबिट हो गया है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया है। तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है 22,500 की। अब हमें कौन ढूंढना है? सिर्फ और सिर्फ 375। तो अब हमको याद रखना है 375 डिबेंचर्स। तो ढूंढो डिबेंचर्स, कहीं है? नहीं मिला। ये रहा डिबेंचर। देखो यहाँ पर हमें 6% डिबेंचर दिख रहे थे 375 के, वो 6% डिबेंचर्स पूरे तो नहीं, मतलब 375 पूरे के पूरे तो कैंसिल नहीं हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने हुए? 120। तो 6% डिबेंचर जो है वो डेबिट हो गए हैं, यानी कि कैंसिल हो गए हैं। कितने से? 1,20,000। तो इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? नोट। तो आओ फटाफट इसके लिए भी अपन क्या बनाते हैं? नोट। तो एक नोट तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसका नंबर क्या आएगा? नोट नंबर 2। ठीक है, तो इधर आ जाओ। यहाँ पर नोट नंबर 1 बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे हम नोट नंबर 2। किससे रिलेटेड बना रहे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना है? 6% डिबेंचर्स, जो कि बैलेंस शीट में कितने दिख रहे थे? 3,75,000, लेकिन कैंसिल हो गए 1,20,000 से। तो अब कितने बचे? एलसी पर करें, 375 माइनस 120, ये बचे आपके 2,55,000। 2,55,000। और देख रहे हैं डिबेंचर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उसको भी हम यहाँ लिख देंगे, तो वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगी। अरे वाह, उसके बाद ही दिख रहा है हमें 8% डिबेंचर्स, ये क्या है? क्रेडिट। तो ये भी हमारे किस में दिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। कितने हैं? 1,30,000। उसके बाद कोई है? उसके बाद भी कुछ है क्या डिबेंचर से रिलेटेड? मेरे को तो नहीं दिख रहा। लो, क्वेश्चन खत्म हो गया और कुछ भी नहीं दिखा, यानी कि बस हमें ये और लिखना है 8% डिबेंचर्स 1,30,000 के। तो 8% डिबेंचर्स कितने? 1,30,000 के। ठीक है, तो हमारा वो क्या है एजेंडा? हमारा एजेंडा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ढूंढना। दो है हमारी, एक 6% डिबेंचर और एक 8% डिबेंचर। तो दोनों को अब क्या करना है? हमें बस और बस प्लस करना है। तो 255 प्लस 130, ये आ जाएगा आपका 3,85,000। 3,85,000 आपका आ गया टोटल।
किसका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। तो इधर लिख लेते हैं नोट नंबर टू में 385,000। ठीक है, तो 385,000 कहाँ से आया, तो जो भी एग्जामिनर है उसको जानना है, तो उसको क्या करना है, नोट नंबर टू में जाके देख लेना। समझ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। चलो, तो हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, इक्विटी हो गई और आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। आप कौन आया, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या क्या आ सकता है, ट्रेड पेबल्स यानी कि अपने क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब ट्रेड पेबल्स देखते हैं अपन बैलेंस शीट में। तो ये रहे, ये हमने डिबेंचर्स पूरे कर लिए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स सबके बारे में देख लिया, एक्रूड इंटरेस्ट कैंसिल हो गया। अब हम आ गए हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ में हम देख रहे हैं ट्रेड पेबल्स के बारे में। ट्रेड पेबल्स हमें दे रखे हैं 3 लाख, और जैसे कि आपको पता है जर्नल एंट्रीज में हमने ट्रेड पेबल से कुछ रिलेटेड नहीं किया था, तो यानी ट्रेड पेबल जैसे थे वैसे ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फटाफट एक बार जनरल एंट्रीज देखिए, वहाँ पर ट्रेड पेबल्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ट्रेड पेबल्स हमें एज इट इज़ लिखनी है 3 लाख। ठीक है, इसके लिए कोई नोट नहीं बना रहे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, जैसा बैलेंस शीट में वैसे ही यहाँ पर है। तो अब हमारा क्या रह गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए एक अपन नोट बना लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी, तो इसके लिए अपन नोट बना देते हैं 3, 1, 2, 3। नोट नंबर 3 किससे रिलेटेड बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज में छानबीन शुरू करो और शॉर्ट टर्म प्रोविजन ढूंढो, क्योंकि बैलेंस शीट में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। आ जाओ, सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल से, उसके बाद अगेन इक्विटी, एक्रूड इंटरेस्ट, ढूंढना शॉर्ट प्रोविजन। प्रोविजन से रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे बताना, पेटेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, ये मिल गया। यस, हमें मिल गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 68,500। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रोविजन है, इसके अलावा कोई भी मुझे प्रोविजन जो है वो नहीं दिख रहा, यानी कि सिर्फ एक ही है। ठीक है, कौन सा है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 68,500। तो फटाफट से ऐसे अपन लिख लेते हैं कहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर में। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर में अपन ने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना लिखा है, 68,500। ठीक है, 68,500 हमें डायरेक्ट कहाँ लिख देना है, यहाँ पर आ गया। अब किसी को अगर इससे दिक्कत है कि डायरेक्टर्स लोन 1 लाख कहाँ गया, तो डायरेक्टर 1 लाख यहाँ पर था, लेकिन डायरेक्टर्स का लोन जो है वो 1 लाख कैंसिल हो गया। डायरेक्टर्स का लोन कैंसिल हो गया, वो मैं आपको जनरल एंट्रीज में दिखाती हूँ, यहाँ पर वो डेबिट हो रखा होगा, ये रहा डायरेक्टर का लोन 1 लाख से डेबिट हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया, तो उसे हमें बैलेंस शीट में लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा लाइबिलिटी से रिलेटेड सारा काम कर दिया है। अब बताओ क्या रह गया इन सब का टोटल, वो हम बाद में करेंगे। अब हम पहुँचते हैं एसेट साइड पर, तो सेकेंड अपनी एसेट्स। अब जिस तरीके से हमने लाइबिलिटीज़ में लिखा था नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़, उसी तरीके से हम एसेट्स में लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो पहला अपना नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में बोलो कौन कौन आएगा, दो चीज़ें, एक आपकी दो बच्चे कौन कौन से हैं इसके, फिक्स्ड एसेट्स और नहीं करंट एसेट, नहीं गलत बोल रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट किसने बोला, गलत बोला,
नॉन करंट एसेट के अंदर करंट एसेट कहाँ से आ जाएगा, है ना? गलत है। नॉन करंट एसेट के दो बच्चे, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर से बोलो, नॉन करंट एसेट के दो बच्चे, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर फिक्स्ड एसेट के दो बच्चे, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है ना? ठीक है, तो ये सारी रिलेटेड हो गई आपकी नॉन करंट एसेट से। फिर से मेरे साथ बोलो, नॉन करंट एसेट में दो बच्चे, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट के दो बच्चे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब आता है आपका करंट एसेट। करंट एसेट में जो जो चीज़ें होंगी वो अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? ऐसा कुछ लिखने की बाकी ज़रूरत नहीं है। बढ़े आगे, सबसे पहले अपन बनाते हैं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, जिसमें कि अपन बनाएंगे पहले टेंजिबल से रिलेटेड। कितने नोट बन चुके हैं अभी तक हमारे? 3 नोट बन चुके हैं। तो अब बनाते हैं हम नोट नंबर फोर। किससे रिलेटेड बना रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, किसका नोट बना रहे हैं हम? टेंजिबल एसेट्स। तो अपन देखते हैं बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी दे रखी है। तो टेंजिबल एसेट्स में हमें फिक्स्ड एसेट में दे रखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड पेटेंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सबसे पहले हमें दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमें कितनी दे रखी है? 4,25,000। अब हमें ये देखना है कि पूरी की पूरी 4,25,000 अभी भी जिंदा है या कुछ मर गई या जिंदा हो गई, मतलब क्या हुआ इसके साथ। तो इसके बाकी कहानी जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी जनरल एंट्रीज। अब बताओ हमारा मिशन क्या है? अब हमारा मिशन है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ढूंढना। तो आइए मेरे साथ साथ मिशन में, मेरा ग्रीन पेन फिर खो गया, ये रहा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ हो? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ भी नहीं दिख रही मुझे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये रही, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिबेंचर वाले ले गए 1,20,000 से। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पर? क्रेडिट, यानी कि कम हो गई। तो 1,20,000 से क्या हो गई? कम हो गई। फिर देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर बढ़ गई, देखो डेबिट हुई है। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्रेडिट हुई थी तो कम हुई थी, यहाँ पर डेबिट हुई है तो बढ़ गई है। कितने से बोलो? 82,500। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्रेडिट थी तो एसेट क्रेडिट होती है, मतलब एसेट कम हुई है, इसलिए हमने माइनस किया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर डेबिट हुई है, यानी एसेट जब डेबिट होती है इसका मतलब वो बढ़ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है? तो वो प्लस होगी, तो ये प्लस है और ये माइनस। तो अपन देखते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या हुआ। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,25,000 की थी, 1,20,000 से कम हो गई और 82,500 से बढ़ गई। तो कितनी आ गई? 387,500। ना ना ना, ये आउटर कॉलम में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं टेंजिबल एसेट्स, ना कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। टेंजिबल एसेट्स का हम लिखेंगे पूरा आउटर कॉलम में। अभी ये किससे रिलेटेड है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है? तो ये लिख दिया 387,500। अब देखते हैं टेंजिबल एसेट में और कौन कौन है। तो टेंजिबल एसेट में पहला था आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,25,000, जिससे रिलेटेड क्या था? 1,20,000 माइनस करना था और 82,500 प्लस करना था। हाँ बिल्कुल सही, वो हमने कर दिया। अब दे रखा है प्लांट कितना है? 50,000। प्लांट कितना दे रखा है? 50,000। तो प्लांट ज़रा देखो उसमें कोई दिक्कत है क्या? प्लांट 50,000 एज इट इज़ है, क्योंकि प्लांट से कोई रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट नहीं थी। आप देख सकते हो जनरल एंट्रीज में, वहाँ पर प्लांट आपको नहीं मिलेगा। अब आए वापस, यानी कि कितना है हमारे पास? 437,500।
तो अब इसे अपन कहाँ लिख सकते हैं, आउटर कॉलम में 437,500। तो टेंजिबल एसेट में कितनी चीज़ें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में दो एडजस्टमेंट थी वो कर ली, प्लांट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 437,500। तो पूरा पेटेंट जो है डेबिट हो चुका है, तो उसको हमें अब कंसीडर नहीं करना। 437,500 ये क्या है, ये आपका टेंजिबल एसेट। तो लिख लेते हैं नोट नंबर 437,500, ठीक है। इनटेंजिबल देखते हैं, इनटेंजिबल तो उसके लिए अपन को बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है गुडविल कितना, 130,000 का, ठीक है। इसके लिए भी अपन एक नोट बना लेते हैं, नोट नंबर 4 नोट बन चुके हैं, तो ये बन जाएगा नोट नंबर 5, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। क्या था गुडविल कितनी दिख रही थी, 130,000, लेकिन पूरी की पूरी गुडविल क्या हो गई थी बोलो, याद होगा आपको 130,000 से क्रेडिट हो गई थी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट में कुछ भी नहीं है, तो इनटेंजिबल एसेट में कुछ भी नहीं है, और ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नोट नंबर 5 बनाकर, ठीक है। और ये कैसे पता कि गुडविल में कुछ नहीं है, तो गुडविल ये रही आपकी, यहाँ पर गुडविल हो गई थी क्रेडिट कितने से, 130,000 से, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब आते हैं अपन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अंदर में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के डैश कर दिया। तो अब बताओ हमारा कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट। करंट एसेट में देखते हैं, करंट एसेट में है पहले हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने, 485,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज अपन लिख देंगे। तो करंट एसेट में सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स कितने, 485,000। इसके लिए कोई भी नोट बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। उसके बाद कौन सी है, इन्वेंट्री कितनी, 425,000। इन्वेंट्री 425,000। तो क्या ये 420,000 पूरी की पूरी है या किस इसके साथ हुआ है, तो आओ जनरल एंट्रीज में देखते हैं। इन्वेंट्री ये लो ऊपर ऊपर मिल गई इन्वेंट्री, 65,000 से इन्वेंट्री कम हुई है, क्रेडिट हुई है ना। इन्वेंट्री क्या होती है, एसेट होती है, और क्रेडिट हुई है मतलब कम हुई है, तो 65,000 से ये कम हो गई। तो 425 माइनस 65 ये आ गया आपका 360,000। तो ये आपका आ गया इन्वेंट्री। अब बताओ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो क्या है, बैंक। तो बैंक देखते हैं, तो नेक्स्ट बैंक के लिए अपन लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना। चलो इसके लिए जनरल एंट्रीज में देखते हैं कहाँ कहाँ बैंक में पैसा आया, कहाँ कहाँ गया। यहाँ पर बैंक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, आपको दिखे तो मुझे बताना। ये रहा बैंक से यहाँ पर पैसा गया है, यानी कि 22,500 से पैसा गया है, उसको हम लिख लेते हैं कहीं ताकि हमें याद रहे। तो बैंक से पैसा गया है 22,500। उसके बाद बैंक 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 कहीं नहीं दिखा, बैंक में पैसा आया है कितना, 130,000। तो उसको यहाँ लिख देते हैं, ये बैंक में आया है, ये बैंक में गया है। फिर देखो कहीं दिख रहा है, नहीं, ये रहा बैंक में पैसा आया है, ठीक है, कितना, 140,000। फिर देखो बैंक में पैसा गया है कितना, 5,000। तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये बैंक में फिर पैसा गया है कितना,
12,500 यानी कि ये पैसा आया है बैंक में और ये पैसा गया है। देखो 1,30,000 प्लस 1,40,000 ये आया है 270 और ये पैसा गया है। क्या क्या गया है? 22,500 माइनस 5,000 माइनस 12,500 यानी 2,30,000 जो है हमारे पास अभी भी बचता है। ठीक है, तो एक और चीज कर सकते हैं क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,95,000 ये कैंसिल हो सकता है आराम से। तो ये कैंसिल हो गया, अब देखो कितना बचता है। तो 2,30,000 में से 1,95,000 यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का माइनस कर दिया तो आपका आ गया 35,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कितना आ जाएगा बैलेंस? 35,000। तो समझ में आ गया कैसे आया? ये भी चीज़ आप स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा ताकि जब भी आप दोबारा रिवीजन करें इन क्वेश्चंस का तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो कि अचानक से 35,000 कहाँ से आ गया। तो आप 35,000 लिख लें, 35,000 अपन लिख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में यानी कि बैंक में। ठीक है, तो 35,000 मैंने ग्रीन पेन से लिखा है क्योंकि मैंने वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ग्रीन पेन से लिखी हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिए करेगा जिससे कि क्या हो, आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो कि ये 35,000 कहाँ से आ गया। अच्छा मुझे बताओ कहाँ से आया 35,000? हमने क्या किया, जनरल एंट्रीज में जहाँ जहाँ बैंक डेबिट था तो बैंक में पैसा आया होगा तो हमने वो सारी चीज़ें कहाँ कर दी, प्लस साइड में लिख दी, और जिस जिस वजह से पैसा गया है वो हमने यहाँ लिख दिया। तो इससे पैसा आया है और इससे पैसा गया है तो हमारा बैलेंस बच गया आपका 35,000 जिसमें कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी था। तो अब हमें क्या करना है, अब बस हमें हमारी पूरी मेहनत मजदूरी ख़त्म हो चुकी है, बस हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। अगर ये हमारा सही आ गया यानी कि बैलेंस शीट मैच कर गई, टैली कर गई, तो भैया नैया पार है, जय माता दी, नहीं तो फिर हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो 5,64,000 प्लस 3,85,000 प्लस 3,00,000 और आपका 68,500 ये आता है 13,17,500 यानी कि 13,17,500 13,17,500। अब भगवान एसेट का भी टोटल यही आए तो हमारा सही है 437,500 हाँ ये सही 4,85,000 3,60,000 और लास्ट आपका 35,000। बस इक्वल टू दबाने की देर है और ये आपके स्क्रीन पर आंसर प्यार जय माता दी 13,17,500। तो हमारी बैलेंस शीट मच कर गई है बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल सही सही। तो खुशी आ गई होगी आपके भी चेहरे पर, मेरे को दिख रही है यहाँ से। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कराते रहिए, है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। एक बार लास्ट बार दिखा दूँ अगर कुछ रहता है यहाँ पर।